Magdum Brothers, the designer wedding collection for men with over 100 years of service in Hyderabad, opposite Medina Building, Charminar Road. Magdum Brothers. क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से तेलंगाना भी एक है। लेकिन अब तेलंगाना से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। यहां सत्ताधारी पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के एक सांसद कोटा प्रभाकर रेड्डी के साथ एक हादसा हो गया है, वो भी सरेआम। चुनाव प्रचार के दौरान सांसद कोटा प्रभाकर रेड्डी के पेट में किसी ने चाकू मार दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, अरे बैठो बैठो जल्दी बैठो। दौलताबाद मंडल के सुरमपल्ली गांव में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके पेट में चाकू मार दिया, जिसमें वो घायल हो गए। उनके समर्थकों को जैसे ही इस मामले का पता चला, वो फौरन नेता को लेकर गजवेल अस्पताल पहुंचे। इसके बाद वहां से उन्हें यशोदा अस्पताल में शिफ्ट किया गया। अरे बैठो बैठो जल्दी बैठो। बताया जा रहा है कि इस बीच भीड़ ने हमलावर को पकड़कर पहले तो हमला करने वाले आरोपी की जमकर पिटाई की, फिर इसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया। पुलिस चाकू मारने वाले शख्स की पहचान करने में जुटी हुई है। हाई प्रोफाइल केस को देखते हुए पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। जाहिर है कि कोटा प्रभाकर रेड्डी मेडक सीट से सांसद हैं। पुलिस ने कहा कि सांसद कोटा प्रभाकर रेड्डी सुरक्षित हैं। घटना दौलताबाद मंडल के सुरमपल्ली गांव में हुई, उन्हें गजवेल से स्थानांतरित कर दिया और आरोपी हिरासत में है। इस मामले की जांच जारी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। Magdum Brothers, the designer wedding collection for men with over 100 years of service in Hyderabad, opposite Medina Building, Charminar Road. Magdum Brothers.